अगर आप लाइट का बिल जमा करने आते हैं तो आपके 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं बिल जमा करने में, इतनी लंबी लाइन होती है दोस्तों, और इतना परेशान होना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है एक दिन में जमा नहीं होना पड़ता है तो दोबारा जाना पड़ता है दोस्तों। लेकिन अब आपको करना क्या है, घर बैठे बिल जमा करना है दोस्तों, कहीं नहीं जाना है दोस्तों, और आप घर बैठे बिल जमा करते हैं दोस्तों, 1000 या 2000 रुपए का बिल जमा करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा, उसमें एक कूपन मिलेगा दोस्तों। जब हम उसे स्क्रेच करेंगे दोस्तों, हमें कम से कम 100-150 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा, हमारा आने जाने का खर्चा बच जाएगा, और इतना 2 घंटे हमारे बेकार होते हैं वो बच जाएंगे दोस्तों। तो इससे अच्छा क्या होगा अगर हम घर बैठे बिल अपना जमा करें दोस्तों, कुछ नहीं करना है दोस्तों। सोचते हैं हम घर बैठे बिल जमा करेंगे, हुआ नहीं हुआ या हमारे हमारे पैसे मारे गए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, डायरेक्ट उनके खाते में जाएंगे और आपका बिल क्लियर। कैसे पता हो, ये पता लग जाएगा आपको आपका बिल कितना आया है दोस्तों। कैसे करना होगा, आपको गूगल पे तो यूज करते हैं दोस्तों, अगर आप गूगल पे यूज नहीं करते तो आप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको गूगल पे की आईडी नहीं बनाना आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। चलो आइए सर चलते हैं गूगल पे पे। अपना गूगल पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने गूगल पे ओपन किया, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से एक आपको इंटरफेस दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे न्यू, ठीक है, न्यू। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करने का दोस्तों हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे जाता है, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, ये सारे आ जाएंगे। तो हमें बिल पेमेंट पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे हम बिल पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं तो हमें लाइट का बिल जमा करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें ये सारे अकाउंट नंबर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये विभाग हैं सारे लाइट की, तो हमें अपना चूज कर लेना है दोस्तों। आपके बिल पर एक लिखा हुआ विभाग वो सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। मैं अपना कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर UPCL ये वाला रूलर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। अपना लाइट के बिल पे लिखा हुआ होगा दोस्तों, तो दोस्तों मेरा अकाउंट लिंक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी बिल जमा हुआ है यहाँ पे 96 रुपये का दोस्तों। मैं इसे अनलिंक करके आपको दिखा देता हूँ, अभी मैंने कर लिया इसे अनलिंक, ठीक है। अब मैं दोबारा इसे लिंक करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने रूलर पर किया क्लिक, ठीक है, रूलर पर जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको साइड पर एक रसीद दिखाई दे रही हो बिल वाली, जो बिल पे अकाउंट नंबर होता है लिखा हुआ, वो आप डाल सकते हैं दोस्तों। अकाउंट डालना है आपको, मैं आपको बिल रसीद पर दे रहा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको कंज्यूमर नंबर डाला है 12 नंबर का, ठीक है, मैं अपना डाल देता हूँ 12 नंबर का। डालने में दोस्तों नीचे हमें नाम लिखना है, तो हमें नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, आप जिसका नाम से कनेक्शन है उसका नाम लिख लेना, ठीक है। मैं इसे करता हूँ एंटर, तो दोस्तों हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब इसे हम लिंक पे जैसे ही लिंक अकाउंट करेंगे दोस्तों, लिंक अकाउंट करने के बाद दोस्तों हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपका जो बिल होगा वो आपको आ जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं 6 दिसंबर जो पे कर दिया, जो 96 रुपये था मैंने पे कर दिया दोस्तों। पे करने के बाद दोस्तों अपना आपका हर महीने का बिल आपको मिल जाएगा इसी तरह से, और नोटिफिकेशन आ जाएगा बिल निकलने के दूसरे दिन को, आपका आप पे कर सकते हैं आसानी से। जैसे पे का नीचे ऑप्शन आ जाएगा, आप पे जैसे क्लिक करेंगे आपका बिल आसानी से पे हो जाएगा दोस्तों। और आपको एक वाउचर मिलेगा, वाउचर आपको स्क्रैच करने के बाद आपको देख सकते हैं कितना वाउचर मिला आपको। मेरा इसमें तो वाउचर नहीं मिला मुझे दोस्तों, लेकिन आपको मिलेगा अगर आप थोड़ा ज़्यादा का बिल जमा करते हैं तो। वीडियो काफ़ी पसंद आई दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, बाय।